एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संघ की बैठक घुमारवी में आयोजित की गई, जिसमें संघ के सदस्यों ने 5 सितंबर को शिमला में धरना देने का निर्णय लिया है। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से उनका भत्ता नहीं दिया जा रहा है और उनके समस्याओं की सुनवाई भी नहीं की जा रही, इसीलिए सभी पेंशनर शिमला के पुराना बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर विधानसभा तक रैली निकालेंगे। 2016 से हमारे जो भत्ते हैं वो नहीं दे रही है और ना ही हमारी कोई सुनवाई कर रही है। हमने कई बार मुख्यमंत्री महोदय और परिवहन मंत्री महोदय से कई बार समय भी मांगा, लेकिन हमें बात करने के लिए भी इनके पास कोई समय नहीं है। इसलिए हमारे स्टेट कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं 5 तारीख को 10 बजे शिमला बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड में इकट्ठे होकर के सरकार के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करेंगे और उसका वहाँ से लेकर के हम विधानसभा तक जाएंगे। और हमारी मांगों में प्रमुख है कि 2016 का जो स्केल है वो अभी हमें तक पेंशन में तो जोड़ा है, लेकिन उसका जो एरियर है उसकी किस्त कई विभागों में दो दो किस्तें, यानी कि 50,000 रुपए की दो किस्तें तकरीबन हर डिपार्टमेंट में दे दी है, लेकिन परिवहन ही एक ऐसा विभाग है जिसको अभी एक भी किस्त जारी नहीं की गई है। जबकि हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी बीमारी से ग्रस्त भी हैं और 70-80 साल की उम्र में पैसे की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों को सरकार नज़रअंदाज करके हमें ना बात करने के लिए बुला रही है, तो हमारे पास ये आखिरी मौका है कि हमें एक पूरी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से पूरी स्टेट में ये काम किया है कि सब इकट्ठे होकर के राजधानी शिमला में विधानसभा के आगे हिमाचल प्रदेश की सरकार का विरोध करेंगे और उनका घेराव करेंगे ताकि वो हमारी मांगों को सुन सके और हमारे उनके ऊपर गौर कर सके। धन्यवाद।